Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Kritika Khurana. ये एक narration सब जगह फैलाया जा रहा है कि अरे 6 months पहले she married her then boyfriend and शादी के 6 महीने बाद अलग भी हो गए वो लोग। इतना grand शादी इन लोग ने सब content के लिए किया होगा। लोग आजकल शादी निभा नहीं पाते। These creators are so shallow। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंड ये कोई मसाला डाल के statements में put forth नहीं करी। ऐसे comments legit किए गए हैं एंड इससे ज्यादा मेन चीजें बोली गई है। जिसे पढ़ने के बाद आई रियलाइज्ड कि आज भी शादी के बाद सेपरेट होना कितना बड़ा टबू है हमारे यहाँ पे। तो इन लोग सेपरेट क्यों हुए, उसके जो रीजन सामने आए ना उस पर भी लेट्स टॉक। तो कृतिका खुराना एक इन्फ्लुएंसर है, सारे प्लेटफॉर्म्स के नंबर्स को कंसीडर करें तो मोर देन 2 मिलियन फॉलोअर्स इन टोटल उसके हैं। लास्ट कई ईयर्स से वो एक रिलेशनशिप में है, उनके बॉयफ्रेंड का नाम आदित्य छापरा है। कई वीडियोस कृतिका ने आदित्य के साथ डाले हुए थे जो शायद अभी उनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। एनीवेज ये जो रिलेशनशिप था इसमें कृतिका की ऑडियंस भी इन्वॉल्व थी बिकॉज कृतिका ने अपने रिश्ते के बारे में उसके फॉलोअर्स से शेयर किया था। एंड अभी ये साल के अप्रैल 20 को दोनों ने शादी कर ली। तो ये एक लव मैरिज था, इनकी शादी काफी ग्रैंड वे में हुई थी। इस पे कई ब्लॉग्स भी कृतिका एंड उसकी जो बहन है उसने बनाए थे। एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट। एक पॉडकास्ट भी ये बहनों ने स्टार्ट किया था जिसमें दोनों अपने लाइफ के बारे में बात करती। एंड ये पॉडकास्ट के दौरान कृतिका टाइम एंड अगेन अपने मैरिज लाइफ के बारे में बात करती एंड इवन टिप्स भी देती दूसरों को फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। एंड ड्यूरिंग दोज कॉन्वर्सेशंस शी यूज्ड टू प्रेज आदित्य लाइक एनीथिंग। हेंस ऑडियंस में भी एक लाइकिंग डेवलप हुआ आदित्य की तरफ। देन शादी के 6 months बाद अभी यही महीने में इट वॉज रिवील्ड कि कृतिका उस शादी में खुश नहीं थी, इसी वजह से उसने आदित्य से सेपरेट होने का डिसीजन लिया है। October 12th को उसने एक पोस्ट डाला जिसमें शी रोट, I know a lot of you already know, but I wanted you to hear from me since you have been such a big part of my journey for 8 years now. I have decided to separate and this decision has been harder than anything else I have ever had to do. To be honest, life has been unfair to me recently. For the first couple of months, I chose to ignore and sacrifice my happiness because I constantly kept thinking of what the world will say. I even felt like a failure, but 4 months ago, I decided that I had to choose my sanity at the end as I have my whole life ahead of me. These things are already so sensitive and I hope you will all respect my decision of keeping more details private. And to all the lovely people who have supported me in any way, thank you. You don't even know how much I needed that. I am and will always be a diehard romantic. But sometimes life deals us the roughest deal and we have no option but to take hard decisions. This phase has already been very hard for my family and me and I hope you can understand my situation. And please send your love and prayers to close this chapter forever. See, clearly उसने कभी reason reveal नहीं किया कि what happened between them, why she wants to separate, but in a way उसने ये बोल दिया that वो उसके साथ खुश नहीं थी। ये पोस्ट में उसने एक लाइन बोला है कि शुरुआत के कुछ महीने वो सब इग्नोर कर रही थी एंड उसकी खुशी को उसने सैक्रिफाइस कर दिया था। देन ये भी उसने बोला कि 4 महीने पहले ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो क्या चूज करेगी। पर यहाँ से ना सिचुएशन थोड़ा वियर्ड हो जाता है बिकॉज 4 महीने पहले अगर वो बोल रही है तो इसका मतलब ये है कि शादी के 2 महीने के बाद ही कृतिका मेड दैट डिसीजन ऑफ चूजिंग हर सैनिटी ओवर एवरीथिंग। बट फिर वो पॉडकास्ट जो लास्ट कई महीनों से सब जगह सर्कुलेट किया जा रहा था उसे निकाला क्यों नहीं गया? शादी के बारे में बात करना उन्होंने बंद क्यों नहीं किया? शादी के कई महीनों बाद भी कृतिका अपनी बहन के साथ बैठ के रिलेशनशिप एडवाइस देती रहती थी, उसके हस्बैंड के बारे में बात करती। देन मैरिज में कैसे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में उस पे शी यूज्ड टू कमेंट। इन अ वे खुद कृतिका ने अपने ऑडियंस को एक फेरी टेल टाइप कहानी फीड की थी एंड देन सडनली ये बोल दिया कि वो तो कभी खुशी नहीं थी शादी के बाद। ऐसा जब होता है तब इट इज नॉर्मल की ऑडियंस सवाल उठाएगी कि फिर जो आपने पहले पॉडकास्ट में बोला था कि आदित्य एक आइडियल मैन है, क्या वो झूठ था कि आप अभी झूठ बोल रहे हो? अंडरस्टैंड आई एम नॉट अगेंस्ट कृतिका खुराना बट जस्ट गिविंग यू ऑल द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाई ऑडियंस इज सो अटैच टू आदित्य। क्योंकि परफेक्ट हस्बैंड का स्टोरी कृतिका ने ही उन्हें सेल किया था, इस वजह से वो लोग आदित्य से अटैच हो गए। एंड ये पहले बार नहीं हो रहा। क्रिएटर्स स्लैश इन्फ्लुएंसर्स जब अपने लव स्टोरी के बारे में ऑडियंस से बात करते हैं ना तब मोस्टली वो सिर्फ लवी डवी साइड दिखाते हैं एंड दे पोर्ट्रे एज इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट, दे आर एन आइडियल मैच। जबकि बिहाइंड द कैमरा कोई भी नॉर्मल कपल की तरह उनमें भी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बट वेरी कन्वीनियंटली दे डोंट टॉक अबाउट इट, विच इज ओके, इट इज देयर चॉइस। पर फिर सडनली वन फाइन डे जब वो ये बोल देते हैं कि उनका ब्रेकअप हुआ या उनका डिवोर्स हुआ तब उनके फैंस को शॉक लगता है कि अरे कल तक तो दे वर सेइंग दैट दे आर इन लव एंड आज अचानक से क्या हो गया, सेपरेट क्यों हो गए? इन्हें उनके फैंस भी इस रिश्ते में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दे फील बिट्रेड, दे फील एज इफ उनसे झूठ बोला गया है एंड ये बिट्रेयल का फीलिंग देन हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम कृतिका के साथ भी हुआ, जब उसने सेपरेशन का पोस्ट डाला उसके बाद काफी मीन वे से लोग रिएक्ट करने लगे। दे स्टार्टेड सेइंग कि सब कैमरा के लिए किया गया था, ये इन्फ्लुएंसर्स का मैरिज होता ही ऐसा है। दोनों इतने लंबे समय से रिलेशनशिप में थे स्टिल इन लोग शादी निभा नहीं पाए। आजकल लोग शादी कर लेते हैं पर उसे निभा नहीं पाते एंड और भी कई अननेसेसरी चीजें लिखी गई थी विच इन माई ओपिनियन वॉज वेरी वेरी रॉन्ग। आई नेवर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शादी जबरदस्ती का निभाना। आई एम नॉट सेइंग दैट डिवोर्स शुड बी प्रमोटेड और एनीथिंग बट डिवोर्स को एक गुनाह की तरह भी ट्रीट नहीं करना चाहिए। सोचो कौन ये सोच के शादी करता होगा कि अरे धूमधाम से शादी करेंगे, ग्रैंड वेडिंग पे खर्चा करेंगे एंड कुछ महीने बाद अलग हो जाएंगे।
नो वन थिंक्स लाइक दैट एंड इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर कुछ चीज़ें शादी के बाद वर्क नहीं करती तो स्टिल थोड़ा एडजस्टमेंट्स करके ना वो लोग उसको सॉर्ट करने का देखते हैं. एक झगड़ा अनकल डिवोर्स ऐसा नो वन डस. मेजोरिटी लोगों के लिए सेपरेट होना लास्ट ऑप्शन होता है. उसके पहले वो काफ़ी ट्राई करते हैं कि वो रिश्ता स्मूथली चले. एंड अलग होने के लिए काफ़ी हिम्मत लगती है. इट इज़ नॉट ईजी. सो डोंट शेम एनीवन जस्ट बिकॉज दे आर डिवोर्स्ड. एंड यही सबके बीच में एक रूमर भी फैलने लगा कि इनका ब्रेकअप एग्जैक्टली क्यों हुआ है. ये चीज़ फैलाई गई कि कृतिका को पसंद नहीं कि उसका हस्बैंड आदित्य अपनी मॉम पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो इसी वजह से उन लोग ने अलग फ्लोर पे एक घर बना लिया एंड वहाँ रहने लग गए. नीचे वाले फ्लोर में आदित्य के पेरेंट्स रहते हैं, ऊपर वो लोग. बट कृतिका को क्योंकि कुकिंग नहीं आता था तो आदित्य नीचे घर में जाके मॉम के हाथ का खाना खा लेते थे, जो चीज़ कृतिका को बिल्कुल नहीं पसंद थी. एंड शी यूज टू कॉल हिम मामाज बॉय. शी वॉज ऑल्सो अपसेट कि हनीमून के लिए आदित्य उसे दुबई लेके गए जबकि उसे US जाना था. एंड कृतिका को ट्रैवलिंग पसंद है, वेराज आदित्य इतना ट्रैवलिंग नहीं करते. तो आफ्टर मैरिज कृतिका का घूमना थोड़ा कम हुआ, इसलिए शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड. एंड वन फाइन डे उसने डिसाइड किया टू लीव आदित्य एंड फिर से वो अपने घर चली गई. आदित्य को जब ये समझा तो वो कृतिका के घर उसे मनाने गए, उसे पेरेंट्स से बात करने गए. ही क्राइड ऑल्सो. ही वॉन्टेड कि कृतिका वापस आ जाए. पर यह रूमर अभी फैलाया गया है दैट कृतिका पेरेंट्स एंड कृतिका इंसल्टेड आदित्य एंड हिज फैमिली, आफ्टर विच आदित्य लेफ्ट फ्रॉम देयर हार्ट ब्रोकन. अभी माइंड यू ये सब रूमर है एंड यू मे आस्क कौन फैला रहा है इसे. तो कुछ कमेंट्स आए थे ये सेपरेशन पोस्ट के नीचे जिसमें कुछ लोगों ने दावा किया था कि वो आदित्य की नेबर्स है या उसके रिलेटिव्स है. तो उन्होंने ये सब विटनेस किया है एंड वही वो लिख रहे हैं. बट डू नॉट बिलीव दिस स्टोरी क्योंकि सामने से ना कृतिका ने और ना आदित्य ने कुछ बोला है. तो ऑडियंस एक पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकती. एंड और भी कई रूमर सामने आए हैं बट ये स्पेसिफिक रूमर के बारे में इसलिए वी आर डिस्कसिंग क्योंकि आफ्टर दिस ना हेट जो कृतिका को मिल रहा है वो इंटेंसिफाई हो गया है. ये स्पेसिफिक नरेशन को लोग सच मान के बैठ गए हैं, कृतिका की गलती निकाल रहे हैं. आई वुड से ऐसी आप किसको ब्लेम नहीं कर सकती या किसको विक्टिम समझ के सिंपथाइज नहीं कर सकते. एंड हमारे कल्चर में हमेशा ये बताया गया है कि शादी इज अ प्योर बॉन्ड एंड कई जन्मों का ये रिश्ता होता है, उसे निभाना चाहिए. ये सब बातें एक्चुअली अच्छी है और उसे मानना भी चाहिए. पर एक मैरिज के दौरान ना वचन यानी कि प्रोमिसेस भी पार्टनर्स लेते हैं सेइंग दैट कि मैं उसे खुश रखूंगा या रखूंगी, उसका ध्यान रखूंगा या रखूंगी. देयर विल बी रिस्पेक्ट. एंड एक ऐसा वचन भी है जहाँ पे ये प्रोमिस किया जाता है कि पराई स्त्री को रिलेशन के बीच में आने नहीं दिया जाएगा. और ये 7 वचन के दौरान और भी कई प्रोमिसेस किए जाते हैं. तो ऑल दिस लाइन्स आर जस्ट नॉट स्टेटमेंट्स बट प्रोमिसेस जो दोनों को निभाने होते हैं. ये कहीं भी रिचुअल्स में नहीं बोला गया है कि अगर आपका पार्टनर आपके रिस्पेक्ट ना करे, आपको खुश ना रखे या चीट करे, स्टिल उसके साथ रिश्ता निभाओ बिकॉज शादी हुआ है. इंस्टेड स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रॉब्लम्स एंड सिकनेस में साथ निभाओ. कोई आपको रोज रुला रहा है, स्टिल उसके साथ रहो, ये मतलब नहीं है उन प्रोमिसेस का. लोगों ने खुद से ही इंटरप्रिटेशंस बनाए हैं जो गलत है कि डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा सहन कर लो, कुछ नहीं होता, चीट किया है फिर से नहीं करेगा और एक चांस दे दो. अरे झगड़े कहाँ नहीं होते, एडजस्ट कर लो, ये सोसाइटी कहता है यानी कि खुद लोग कहते हैं. रिचुअल्स कहते हैं कि प्रोमिसेस निभाओ, बट आई फील व्हेन दोस प्रोमिसेस आर ब्रोकन बाय वन पार्टनर देन द अपोजिट पार्टनर हैज द राइट टू चूज वेदर टू कंटिन्यू बीइंग इन दैट मैरिज और टू वॉक आउट. सो डिवोर्स ये वर्ड को ऐसे मत देखो कि अरे इसने डिवोर्स कर लिया इसे शर्म आना चाहिए. देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. सबकी अपनी चॉइस है, उन्हें वो रिश्ते में रहना है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करना है, वो उनका चॉइस है. सब सेम सिचुएशन में नहीं होते, सब प्रिविलेज नहीं रहते. कुछ लोग फाइनेंशियली अपने पार्टनर्स पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं रहता जिस वजह से वो हेजिटेट करते हैं अलग होने में. बट सोसाइटी क्या सोचेगी इस चक्कर में ना आगे की 30 या 50 साल तक एक शादी को चलाना और वो भी एक्सट्रीमली नाखुश होके, मेक्स नो सेंस. उससे बेटर है कि 6 महीने में अलग हो जाओ अगर आप इतने ज्यादा श्योर हो दैट इट इज नॉट गोना वर्क. अभी कृतिका को लोग इवन किम कार्डशियन से भी कंपेयर करने लगे हैं, सेइंग दैट कि किम ने हॉलीवुड में 72 डेज में अपना शादी एंड किया था. एंड अभी यहाँ भी लोग ऐसे इन्फ्लुएंस होके कुछ कुछ महीनों में रिश्ता खत्म कर रहे हैं. आप कृतिका के पोस्ट के नीचे जाओ, उसके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है ना उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बट नीचे जाओगे ना यू विल फाइंड ऑल सच कमेंट्स. इट इज सो रॉन्ग टू से ऑल दिस. ये सोसाइटी के प्रेशर की वजह से ना एट टाइम्स वॉयलेंस एंड अब्यूज को लोग झेल लेते हैं, चुप रहते हैं क्योंकि अरे शादी हो गया है निभाना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग कि कृतिका के साथ ये हो रहा है, बट इन जनरल आई एम स्पीकिंग अबाउट इट. एंड ऑल्सो नो वन इज सेइंग कि एक दो छोटा झगड़ा हो गया तो रन अवे, दैट इज नॉट द पॉइंट. इफ यू हैव कमिटेड टू समथिंग देन इनिशियली आपको एज पार्टनर्स टाइम लगेगा वो कम्फर्ट जोन फिगर आउट करने में. एंड सिर्फ शादी में नहीं बट लव रिलेशनशिप्स में भी, अगर आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो ये फेज आता है. इन केस अगर दोनों पार्टनर्स डोमिनेटिंग ट्रेट्स रखते हैं एंड दोनों के ओपिनियन स्ट्रांग है तो एट टाइम्स कुछ एरियाज में क्लैशेस होते हैं, बट यू हैव टू फिगर आउट एंड मेक दैट एफर्ट इफ यू ट्रूली लव दैट पर्सन. बीइंग सेड दैट आई वुड ऑल्सो से यू ऑलवेज नो द लिमिट, द रेड लाइन जो किसी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए. हर किसी का रेड लाइन और यू कैन से दायरा डिफरेंट हो सकता है. कुछ के लिए फाइट्स कैन बी दैट रेड लाइन, कुछ के लिए अब्यूज कैन बी दैट रेड लाइन, कुछ के लिए चीटिंग, कुछ के लिए वॉयलेंस. जिसको अगर क्रॉस किया उनके पार्टनर ने देन ही और शी कांट रिटर्न फ्रॉम दैट.
So always know where that line is and don't draw it too far. And if that is crossed, then you know you have to take a stand for yourself. बस हो गया, ये कब बोलना है ना, you have to know. क्योंकि आपने खुद को भी प्रॉमिस किया था जब आप इस दुनिया में आए थे कि आप खुद से भी प्यार करेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे. तो खुद से रिश्ता निभाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दूसरों से. अभी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि कृतिका ने शादी के बारे में सब उसके फैंस के साथ शेयर किया था. फिर पॉडकास्ट में भी रिलेशनशिप एडवाइस वो देती रहती थी, तो उसने खुद से अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सबको बताया था. जब अभी उसके फैंस इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं तो कृतिका को सेपरेशन का रीजन भी बताना चाहिए, बिकॉज वो सच डिजर्व करते हैं. ये एक्चुअली लिखा गया था, बट हियर आई वुड से कि अगर आदित्य और कृतिका ने अलग होने का डिसीजन ले लिया है तो कमिंग डेज में उन्हें एक लीगल रूट लेना पड़ेगा, उनको कोर्ट जाना पड़ेगा. एंड अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया तो हो सकता है कि ये चीजें और भी ज्यादा मैसी हो जाए. इसी वजह से आई फील कि क्योंकि अभी लीगल चीजें भी इन्वॉल्व हो रही है तो दे आर अवॉइडिंग मेकिंग एनी स्टेटमेंट्स, व्हिच इज अ सेंसिबल थिंग टू डू. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि कृतिका खुराना को जो हेट मिल रहा है सेपरेशन की वजह से उस पर व्हाट यू हैव टू से. एंड ये जो कॉन्सेप्ट है कि नो मैटर व्हाट शादी निभाना ही चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.